पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जहां पर एशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहां पर किसानों के लिए खाद की दस्तयाबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है। किसानों को खाद में असर न आने के बायस फसलों पर बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक के चेयरमैन मोहम्मद खालिद वसीम की खसूसी काविशों से ज़िला सियालकोट के किसानों को बब्बर शेर यूरिया खाद की फ्राहमी शुरू हो चुकी है। हमदर्द ट्रेडर्स उगोकी में किसानों को कंट्रोल रेट पर खाद दी जा रही है। किसानों का कहना है कि यूरिया खाद की फ्राहमी को यकीनी बनाने पर मोहम्मद खालिद वसीम के मशकूर हैं। मोहम्मद यूनस मुगल ने नेशनल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने अपने फ़राइज को ऐसन तरीके से निभाते हुए किसानों की फलाह बहबूद के लिए जो हिकमत अमली अपनाई है वो इकदाम काबिल तहसीन है। मोहम्मद यूनस मुगल ने नेशनल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा जिले के आज़ादी कंट्रोल रेट पर यूरिया सेल कर रहे हैं, उनके कागजों से कंपनी ने यूरिया प्रोवाइड किया है और महकमाना और गवर्नमेंट की तरफ से आज हम कंट्रोल रेट पर यूरिया प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, ताकि वहाँ को जो भी तकलीफ ना हो और किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आप सामने देख सकते हैं सारे कस्टमर जो है ना वो 1500 जो है ना यूरिया दे रहे हैं, ताकि जो है ना किसी किस्म का कोई जो है ना कंट्रोल रेट से ऊपर ना जाए।